हाय फ्रेंड्स, यदि आपके मन में एक डाउट है कि डीसीए क्या है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि डीसीए क्या होता है और यहाँ कैसे किया जाता है और क्या क्या इसके अंदर हमें पढ़ाया जाता है। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि आज किसी भी जॉब प्रोफाइल में कंप्यूटर की डिग्री होना जैसे सोने पर सुहागा है, इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ है कि चाहे जो भी जॉब हो उसमें कंप्यूटर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है, तो एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल आपके लिए लाया है सभी प्रश्नों के उत्तर। जो भी डीसीए से रिलेटिव आपको हमने प्रश्न, हमें कमेंट्स करके भी जरूर बता सकते हैं यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो। ठीक है, तो बात करते हैं कि डीसीए क्या है। तो यदि आप 12वीं पास कर चुके हो तो आप डीसीए कर सकते हो। यह कंप्यूटर डिप्लोमा होता है। ठीक है, और डीसीए करने के बाद भी आप एक अच्छा करियर अपना बना सकते हो कंप्यूटर फील्ड में। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। डीसीए का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ एक डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। इस कोर्स को कोई भी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है, जिसमें छात्र को कंप्यूटर तथा उससे बेसिक जानकारी, कंप्यूटर जुड़ी बेसिक जानकारी आपको पढ़ाया जाता है। जो भी छात्र अपना करियर कम खर्चे में कंप्यूटर के फील्ड में बनाना चाहते हैं, डीसीए उनकी पहली पसंद होती है, क्योंकि बड़े कम खर्चे और कम समय में इसमें हमें कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने में 6 महीने से लेकर 1 साल का समय लगता है, जिसमें टोटल 2 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर की एग्जाम 6 माह के अंतराल में होती है, यदि आपके 2 सेमेस्टर से आप पढ़ रहे हो तो। इसी साथ बात करें कि डीसीए में क्या पढ़ाया जाता है। तो डीसीए में हमें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट जैसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर के बेसिक जानकारी हमें पढ़ाया जाता है, जिसे करने के बाद हम किसी भी जगह कंप्यूटर से जुड़ी नौकरी आसानी से पा सकते हैं, जैसे डाटा एंट्री की नौकरी, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि। देखो, बहुत सारे फील्ड में क्या होता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, तथा यदि हमारे पास अच्छा बेहतर स्किल्स, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम डीसीए कर रहे हैं तो हमारे पास स्किल्स होना आवश्यक है। यानी कि हम यदि डीसीए कर रहे तो हम पूरा डीसीए के सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझें, ताकि हमें उसका बहुत अच्छा शानदार नॉलेज हो, और किसी भी फील्ड में हम यदि रिज्यूम सेंड करते हैं या हमारा इंटरव्यू होता है तो हम बेझिझक उस जॉब के लिए परफेक्ट हो पाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप पिछली बार भी बताया गया कि 12वीं होना आवश्यक है और अन्य एलिजिबिलिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। डीसीए करने की फीस मात्र 5,000 से लेकर 20,000 तक होती है, या यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसी के साथ बात करें तो क्या क्या इसमें पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रैक्टिकल ऑन सी प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, प्रैक्टिकल ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम। सेकंड सेमेस्टर में हमें पढ़ाया जाता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विजुअल बेसिक, इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क, ये सभी इसके अंतर्गत हम आते हैं। यदि इतना हम बेहतर तरीके से सीखते हैं तो हम कहीं पर भी बेसिक कंप्यूटर के आधार पर, कंप्यूटर बेसिस के आधार पर हम जॉब पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ जानकारी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक्टिव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।